तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों को भत्ता देना होगा, देना होगा। बेरोजगारों को सारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। और जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू का सरकारी केल शर्म करो, भूपेश बघेल। दारू का सरकारी केल शर्म करो, भूपेश बघेल। आज बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नारायणपुर युवा मोर्चा द्वारा यहां के स्थानीय विधायक चंदन कश्यप जी के निवास में आकर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको दारू, जो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे था कि उन्हें 4 बोतल दारू भेंट करना है। स्थानीय विधायक स्थान के तो नहीं है, वो बस्तर के हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आज हम उनके कार्यालय के सामने उनको दारू बोतल देने आए हैं। दारू बोतल देने के पीछे युवा मोर्चा का उद्देश्य ये है कि यही वो कांग्रेस की सरकार है जो हाथ में गंगा जल, जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र मानी जाती है, उस गंगा जल का झूठा कसम खा के कही थी कि 10 दिन के अंदर शराबबंदी करेंगे। आज महासमुंद में एक पूरा हस्ता खेलता परिवार इस दारू के कारण बर्बाद हो जाता है। उस परिवार की एक माता अपने 5 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेती है। आखिर यह किसके कारण है? यह सिर्फ इस दारू के कारण है। इस दारू की जड़ भूपेश बघेल है, जो शराबबंदी की बात करते हैं और होम डिलीवरी करवाते हैं। अगर यह दारू, यह शराब बंद होगी तो आज हर युवा, हर कोई सक्षम होगा। आज हर कमाई का हिस्सा महिलाएं परेशान है अपने घर में, उनके पति कमाते नहीं है, उनका पैसा लेके खाली उनसे लड़ाई झगड़ा करके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर करते हैं। आज युवा मोर्चा मांग करती है, भूपेश बघेल तुम अपनी 2.5 साल की जो वादा, मतलब 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा घोषणा नहीं होगा जो पूरा किया होगा। आज हम वादा आपसे एक मांग करते हैं, आप इस शराब को बंद करो ताकि आने वाले समय में महासमुंद में जैसी घटना घटी वैसी घटना दोबारा कहीं ना घटे। अगर इस प्रकार की घटना और कहीं घटती है, खास करके शराब को लेकर, तो आने वाले समय में आपके लिए ठीक नहीं होगा। और वैसे भी आपका ये 2.5 साल का कार्यकाल आप भी नहीं जानते हैं कि आपने कौन सी उपलब्धि वाला काम किया है। हम आज सिर्फ आपसे एक मांग करते हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, सरकारी नौकरी निकालो, पूरी प्रदेश में शराबबंदी करो। हमारी सिर्फ यही मांग है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये 3 मांग पूरा करना होगा। आप 2.5 साल के बस हैं, 2.5 साल के बाद आपको इस प्रदेश की जनता ऐसे उखाड़ के फेंकेगी कि आप आने वाले 15 सालों तक प्रदेश में नहीं काबिज होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।